शादी के बाद हर कोई माता पिता संतान सुख लेना चाहता है और संतान पैदा न हो तो उसके लिए सैकड़ों यत्न करता है और जब संतान पैदा हो जाती है तो खुशियां मनाता है। उस संतान का लालन पालन पोषण करने के लिए तथा पढ़ाने लिखाने के लिए पिता हर ताकत लगा देता है और सपने संजोता है कि बड़े होकर उसकी संतान उसका नाम करेगी और उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आज हम एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जहां पिता अपने हाथों से ही अपनी संतान का गला काट देता है। हम बात कर रहे हैं हरदोई के ऐसे ही एक बेरहमी पिता की जिसने अपने हाथों से ही अपनी पुत्री का गला काट दिया और सर को लेकर थाने पहुंच गया। हाथों में सर और सर से टपकता खून, ऐसा भयानक दृश्य जिसको देखकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई के थाना मझला क्षेत्र का है जहां पर गांव पांडे का तारा है, जहां अपनी पुत्री मटका के प्रेम प्रसंग से दुखी होकर क्रूर पिता सर्वेश राठौर ने अपने हाथों से ही अपनी लाडली पुत्री मटका जो कक्षा 12 में पढ़ती थी उसका सर काट लिया और टपकते खून वाले सर को वह थाने लेकर पहुंच गया। ऐसा भयानक दृश्य जब थाने की पुलिस ने अपनी आंखों से देखा तो उनके बीच हड़कंप मच गया और उस क्रूर पिता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद हरदोई पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने कहा कि उस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मझला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कि गांव पांडे तारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और जो इसमें जो अभियुक्त पिता है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जा रही है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई की जा रही है।